हेलो शॉक्स। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज पराशर और मैं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आया हूँ। मैं कटिंग एज मेडिकल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ और पेशे से एक डॉक्टर। क्या आप जानते हैं दुनिया में 80 करोड़ से ज्यादा किडनी के पेशेंट्स हैं और उनमें से 20 करोड़ भारत में हैं। सिम्टम्स जल्दी आते नहीं हैं और जब आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इन सभी समस्याओं का हल लेकर हम आए हैं सिंटिग्लो के साथ। ये किडनी की बीमारियों का जल्दी और समय रहते पता लगाने के लिए एक रिलायबल तरीका है। इस डिवाइस से की गई यूरिन की जांच बड़ी लैब की बड़ी मशीन की एक्यूरेसी के साथ बट बहुत कम कीमत में कहीं भी कभी भी और सिर्फ 2 सेकंड में की जा सकती है। आज जिस रिपोर्ट को मिलने में 2 दिन लगते हैं इससे सिर्फ 2 सेकंड में की जा सकती है। और हाँ, इसके साथ एक स्मार्टफोन ऐप है जिसके साथ एक फॉर्मल रिपोर्ट कहीं भी तुरंत शेयर की जा सकती है। आज ये डिवाइसेस करीब 70 लैब्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वाह! सो शार्क्स, आइए इन्वेस्ट करिए हमारी कंपनी में 75 लाख रुपए 1% इक्विटी के बदले। 75 करोड़ की बात। 75 करोड़। यस। थोड़ा सेल्स होएगा भाई। डॉक्टर प्राशद, वेलकम। आप तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे पहले या अभी भी हैं? सर, मैं मेडिकल कॉलेज के लिए काम करता हूँ। सिंस मैं अंडर ग्रेजुएट डेज जब मैं मेडिकल स्कूल में था तब से मेरा इंटरेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी में था। सो मैंने IIT दिल्ली में PhD बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। तब मेरी सिस्टर को जब वो प्रेग्नेंट थी तो घर में हमें एक प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी कि उसकी कंडीशन होती प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो उसमें लास्ट 3 महीनों में डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया कि एक रेगुलर प्रोटीन की जांच लगेगी, तो बार बार सैंपल लैब में देके आना आसान नहीं होता। उसने मुझसे पूछा, भैया घर पे कुछ टेस्ट करने के लिए है क्या, जैसे शुगर टेस्ट हो जाती है या ब्लड प्रेशर? ढूंढा, मुझे कुछ मिला नहीं। फॉर्चुनेटली मेरी बहन के लिए तो सब ठीक रहा, बट देश की 50,000 महिलाएं हर साल अनवांटेड डेथ्स है उसका शिकार होती है। उसका सबसे बड़ा कॉज है प्रीएक्लेम्प्सिया, जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में होता है। साल 1.5 साल इस पे काम किया, दिमाग में अंदर चलता रहा। जनवरी 2013 में मेरा सबसे पहला कागज के और पुष्ठे के डब्बों का प्रोटोटाइप बनाया। मैंने अपने प्रोफेसर को दिखाया IIT में, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा, पंकज टेक इट इन अ फॉर्मल वे। तो मुझे सारा सपोर्ट सिस्टम विद इन द इंस्टीट्यूट मिला। सो फॉर्चुनेटली चीज़ें होती गई, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, ग्रांट्स रेज किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और फिर कुछ वेल विशर्स एंड HNI से, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल से हम लोगों ने फंड रेज किया और यहाँ पर हम 7 साल में रेगुलेटरी क्लियरेंसेस, वैलिडेशंस, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस के साथ हमें 20 नवंबर 2020 को हमें हमारा रेगुलेटरी क्लियरेंस CDSCO और MP स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट से मिला। हम रेगुलर सेल्स में नहीं जा रहे हैं, हमारा डिवाइस एज अ सर्विस मॉडल है। तो आप क्या इसको रेंट पे देते हैं? हाँ, से फॉर एग्जांपल एक लैब है, उनके पास ये डिवाइस इंस्टॉल होता है, हम उनसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं और कोई रिटर्नेबल है, और हर टेस्ट के लिए हम उनसे चार्ज करते हैं अराउंड 200 रुपीज पर टेस्ट। वाईफाई कनेक्टेड है या ब्लूटूथ से है थ्रू अ स्मार्टफोन? मैं आपको एक डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाऊं? प्लीज। ये मेरे पास 2 यूरिन सैंपल्स हैं, एक हेल्दी सैंपल है जिसमें प्रोटीन्स, हेल्दी सैंपल इसलिए क्योंकि नॉर्मली प्रोटीन्स यूरिन में नहीं आते हैं। तो एक कंडीशन होती है अर्ली स्टेज जहां पर 2 मिलीग्राम से 20 मिलीग्राम तक प्रोटीन्स अगर यूरिन में है पर 100 ml, तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट का पता चल जाता है तो उनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और किडनी खराब होने से बचा सकते हैं। ये कंज्यूमेबल्स हमारे प्रोप्राइटरी हैं, इसमें ये रिएजेंट है विच इज प्रोवाइडेड और ये बॉटल 50 टेस्ट के लिए सफिशियंट है। मैं सिर्फ 5 ड्रॉप्स इस रिएजेंट की डालूंगा, 1, 2, 3, 4, 5। फिर स्टार्ट बटन, प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। आप पेशेंट आईडी डालिए, लैब के हिसाब से अगर कोई सीक्वेंशियल कोड है या फिर अगर पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं तो आधार नंबर तक 12 डिजिट्स तक आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैं 1, 2, 3 डाल रहा हूँ। एंटर करने पर इसमें बता रहा है 18.9 मिलीग्राम। तो ये पेशेंट सैंपल जो था दैट वाज हैविंग प्रोटीन्स इन इट। ये अंदर क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस से डिटरमिन हो रहा है? वही तो मेन है। यस सर, दैट्स द हमारा पेटेंट टेक्नोलॉजी है और जो रिएजेंट है दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट, क्योंकि वो वही उस पूरे रिएजेंट को इस हार्डवेयर के हिसाब से टाइम और फाइन ट्यून किया गया है कि वो उस प्रोसेस को पूरा उतने टाइम में कंप्लीट करके उस रिएक्शन को रीड कर लेता ऑप्टिकली। मैं आपको इसको डिवाइस से रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है वो मैं दिखाता हूं। सो ये ऐप है, डिवाइस कनेक्ट होता है,
कनेक्ट हो गया, मैं रिजल्ट्स देखता हूँ, मैं लास्ट रिजल्ट देखता हूँ, ये आप देख सकते हैं। मैं इसकी एक रिपोर्ट जनरेट करके दिखाता हूँ, PDF, पेशेंट नेम ABC, ये एक सिग्नेचर भी किया मैंने, एंड सबमिट करते हैं, व्यू करते हैं। रिपोर्ट तो अच्छी है बस, लेकिन आप 95% एक्यूरेसी कह रहे हैं, तो ये लाइफ और डेथ के मामले में इतने एक्यूरेसी में काम चल जाता है? सर पहली चीज, 95% एक्यूरेसी इज वेरी हाई। हम गोल्ड स्टैंडर्ड मान रहे हैं वो 50-60 लाख रुपए की मशीन को। अच्छा। उसके कंपैरिजन और ये उसकी भी 95% होती है सर। हर मशीन में 3-5% का उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, तो ये वो वेरिएशंस है। गॉट इट। तो डॉक्टर पंकज, यस मैडम, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में। व्हाट इज योर रेवेन्यू सो फार? सो मैम, हम एक्टिवली हम बात करें तो 3 महीने अभी हमारे टेस्ट्स हुए हैं, सो वी हैव अराउंड 40,000 रुपीज ही रेवेन्यू हुआ है। यस मैडम। फिर आपको कुछ प्रायर इन्वेस्टर ने बहुत पैसे दिए, मतलब ये 75 क्रोर्स वैल्यूएशन कहां से आया? मैडम, हम लोगों का अभी जो प्री सीरीज ए राउंड इन्वेस्टमेंट्स का, वी आर ऑलरेडी साइनिंग अ टर्म शीट। वी वर ऑलमोस्ट साइनिंग ऑन दिस लास्ट वीक। 7.5 करोड़ का हम लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए है, तो उसमें जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने कहा कि ये राउंड तो वो लोग कर सकते हैं, बट इट्स अ लार्जर राउंड, कोई को इन्वेस्टर होता है तो दिट बी अ गुड थिंग। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यूएशन उन्हीं लोगों ने हमारे लिए किया है, लेकिन इन्वेस्ट तो नहीं किया ना अभी मैम। अभी हम लोग, उन्होंने कहा कि जैसे मुझे शार्क टैंक का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि दैट बिकम्स अ कोर। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, ये डिजिटल होती है। हाँ, बैंक में पैसे आ गए या नहीं आए, बिल्कुल समझता हूँ, हो रहा है, कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ही नहीं। सर मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, पैसे आ गए या नहीं आए। जो सीरियस इन्वेस्टर्स होते हैं हेल्थ केयर में, अगर आपको अप्रूवल मिला है, सर्टिफिकेशन मिला है, आपके प्रोडक्ट में दम है, टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस हो गया है, वो वहीं के वहीं आपको पैसे दे देते हैं। तो ये जो आप 75 करोड़ है वो उस बेसिस पे मांग रहे हैं, उन्हीं का वैल्यूएशन है। अब मेरे को एक बताइए, मशीन बनाने के कितने पैसे लगते हैं? सर करीब 20,000 रुपए। अब सारी जगह मशीन जब लगाते हैं आप वो कितना लेते हैं डिपॉजिट? 20,000। तो सेल्फ फंडेड है। हाँ, तो फिर पैसे क्यों चाहिए? सर अभी जो हो रहा है कि जैसे हम लैब के पास जाते हैं, सो एक नई कंपनी, एक नया मेडिकल डिवाइस और हेल्थ केयर, थोड़ा सा लोगों को इस पे भरोसा करने में, और दूसरी चीज, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर कम्युनिटी रिक्वायर हायर स्टैंडर्ड्स, तो उनके लिए हमें ये लगता है कि हमें आज अपने आप को प्रूव करना था, तो वी हैव नाउ 70 इंस्टॉलेशंस। शुरुआत में हमें काफ़ी दिक्कत आई थी, फिर कुछ हमारे जिनको हम कन्विंस कर पाए टेक्नोलॉजी से, दे बिकेम अवर की ओपिनियन लीडर्स इन दैट लोकल मार्केट, तो वो हम बढ़ते चले गए। सेल्स करने के लिए पैसे चाहिए? यस, सेल्स और R&D। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये लैब वर्जन है, फिर पब्लिक हेल्थ केयर में ये वर्जन है, फिर हम इसको होम हेल्थ केयर तक लेके जा रहे हैं। ओह वाओ, क्या प्राइस आएगी? कीमत उसकी 5,000-6,000 के आसपास रहेगी। हम इसको, हमारा मेन रेवेन्यू रिएजेंट्स और उनके सप्लाई से आता है। लेकिन अगर 5-6 हज़ार में ये डिवाइस बना सकते हो आप, तो सब जगह 5-6 हज़ार की डिवाइस क्यों नहीं डालते? सर ये इतना छोटा है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और किसी भी सेकंड थर्ड पार्टी ऑपरेटिव सिस्टम में चोरी हो जाने का, खो जाने का, टूट जाने का डर रहता। खाली इस कारण से बड़ा डिवाइस 20,000 का? नहीं सर, इसका ये पर्पस नहीं है। इसकी मेमोरी है, इसमें डिस्प्ले है, सारी चीज है, इसमें कुछ भी नहीं होता। प्रिंट आउट निकलता उसमें? सर इसमें थ्रू ब्लूटूथ डिवाइस पे आ जाएगा, या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उससे प्रिंट। इसके अंदर इनबिल्ट प्रिंटर नहीं है? नहीं है सर, इसमें नहीं है। ये इसमें कोई डिस्प्ले नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ टेस्ट डिवाइस है। पूरा iOS और Android apps पे काम करता है। अभी हमारे पास Android app है जिसके थ्रू आप, इसमें पेमेंट gateway भी इनबिल्ट है। आप टेस्ट का पेमेंट करिए, अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस पेमेंट करिए, और उसके बाद आप अपने डॉक्टर तक रिपोर्ट पहुंच जाएगी, वो उसको ऑथेंटिकेट करके, अप्रूव करके वापस आप तक भेज देंगे। मेरा आपसे एक सवाल है। जी सर। अभी जैसे डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं, पाथ लैब्स वगैरह, वो तो आपका डिवाइस नहीं यूज करते? नहीं, क्योंकि वो महंगी मशीन यूज करते हैं और उस वो बड़ी मशीन है और सारे टेस्ट। बिल्कुल। छोटे डायग्नोस्टिक लैब्स हैं जो आपके ये यूज करेंगे, तो वो करंटली ये टेस्ट नहीं करते? सर अभी जो ये करते हैं वो इन बड़ी लैब्स को आउटसोर्स कर देते हैं। अच्छा। तो कम टेस्ट्स आते हैं क्योंकि अवेलेबल हर जगह नहीं होता। 600 रुपए का टेस्ट है तो डॉक्टर भी लिखने में डरता है। सो अब इसके बाद में जब हम इस प्रोसेस को लेके जा रहे हैं, तो अभी उनको उनकी कीमत से हमारी ऑफर्ड कीमत 30% तक कम। 30% तो बहुत कम डिफरेंस है ना, वो लैब
वो लैब अगले दिन रिपोर्ट देती है, हमारा तुरंत रिपोर्ट आ जाता है, पीडीएफ बन चुका है, आप अपने प्रिंटर पे अपने लेटर हेड पे प्रिंट कर दीजिए, आपकी रिपोर्ट बन चुकी है। कितना है? जीरो, फ्री है। पार्डन? उनको कोई पैसा नहीं लगाना, उनको कोई पैसा नहीं देना है। जितने टेस्ट इसमें बिल होंगे मंथ एंड पे, हम पोस्ट पेड कनेक्शन जैसा, हम एक बार फोन से कनेक्ट करिए, हमारे पास बिल हो जाएगा जनरेट ऑटोमेटिकली, आप भारत पे से भी पे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज बताओ, इसके बियॉन्ड भी आप कुछ बना रहे हो क्या? यस, हमारा अल्टीमेट एम है हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करना। उसके लिए मल्टीपल डिवाइसेस की जरूरत है, रेस्पिरेटरी केयर में है, ट्यूबरकुलोसिस केयर में है। हमारा मेन फोकस जो है वो लार्जर बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो पॉपुलेशन अनसर्व्ड है, अंडरसर्व्ड भी नहीं अनसर्व्ड है, उसके लिए है। तो डॉक्टर पंकज मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगा। जी मैम। वाओ। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ ये इंडस्ट्री। यस मैम। और मुझे बिगिनिंग में ही ऑनेस्ट होना है कि इसमें पैसा तो नहीं बनेगा। और सेकेंडली आपको भी पता है कि पेनिट्रेशन इन द स्मॉलर सिटीज, डॉक्टर्स को क्रेडिबिलिटी का कन्विंस करना, बिल्कुल, इवन इफ यू हैव सीडीएससी रेगुलेशन, आसान नहीं। मैं समझता हूं। सो मैं ये कर रही हूं नॉट फॉर मनी, बट बिकॉज इसका बहुत बहुत फायदा होगा टू बॉटम ऑफ द पिरामिड। यस, राइट। एंड बीइंग अ हेल्थ केयर कंपनी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू हेल्प बॉटम ऑफ द पिरामिड। एब्सोल्युटली। बट मुझे नहीं लगता है कि एक प्री रेवेन्यू कंपनी का वैल्यूएशन 75 करोड़ होना चाहिए, जिसका 3 साल बाद रेवेन्यू 100 करोड़ होगा। तो मैं आपको ऑफर करना चाहूंगी 50 लाख रुपीज फॉर 10% इक्विटी एंड 25 लाख रुपीज इन डेट एट 12% इंटरेस्ट। ठीक है, मुझे लगता है कि एज अ शार्क जो आपकी मदद नमिता कर पाएंगी वो मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए मैं इससे बाहर हूँ। अगर आप नमिता का ऑफर नहीं लेते तो फिर मैं वापस इन हो सकता हूँ, पर मुझे लगता है अच्छा ऑफर दिया है। तो मुझे लगता है कि नमिता आपकी बहुत हेल्प कर पाएंगी और ये अच्छा ऑफर दिया उन्होंने, मैं इससे बेटर ऑफर दे भी नहीं पाऊंगा। 10% इज जेनरस। यस सर। फॉर प्री रेवेन्यू 10% इज जेनरस। मेरे को लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और यू नो डिवाइसेस की जरूरत है। यस सर। कंट्री को, लेकिन आपको जरूरत है नमिता की, तो फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो आउट। थैंक यू, अप्रिशिएट। डॉक्टर साहब मेरे को भी ये लग रहा है कि आप काम तो ठीक कर रहे हो बट आप ना थोड़े से इन्वेस्टर्स के झमेलों में आ गए हो। और इन्होंने ना आपको ज्यादा वैल्यूएशन दे दी ऑलरेडी। ऑलरेडी ऑनेस्टली मैं आपको 75 लाख रुपए देता तो मैं आपसे 30% लेता कंपनी का। ठीक है, तो इन्होंने अच्छी वैल्यूएशन दे दी है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए मैं बाहर हूँ। हाँ जी, मेरा भी डिसीजन यही है, नमिता ने जहाँ ऑफर कर ही दिया है तो मैं भी मानता हूँ कि वो हेल्दी ऑफर है आपके लिए। So good luck. Rich offer. It is a very good offer. मैं 20% देने वाली थी. 10% is just because it's a good purpose. Yes. मेरा भी intention overall इसका पूरा इस process का आज तक इतनी मेहनत double shift काम कर रहा हूँ मैं. उसका purpose पैसा नहीं है. उसका purpose एक bigger purpose है. इंडिविजुअल यूजर्स हेडफोन्स कुछ अलग लगाते हैं, बड्स अलग लोग लगाते हैं, वैसे ही हम इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को जो आज तक हेल्थ केयर में नहीं हुआ है. एंड दिस इज द टाइम, आज लीस्ट रिस्क और मैक्सिमम, वी हैव द एंटायर पोटेंशियल ऑफ बीइंग अ यूनिकॉर्न इन नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स। अच्छा डॉक्टर पंकज, 4 शार्क आउट है। यस मैम। 1 शार्क इन है। आप फटाफट डिसीजन दीजिए, काफी टाइम हो गया है। ऑलराइट, आई एम नॉट हियर टू मेक मनी, इट इज नॉट प्रूवन एनीथिंग। 70 मशीन डाल के ₹40,000 रेवेन्यू, व्हाट आर यू टॉकिंग? कुछ नहीं है। ऋषि जी, मैं अभी शार्क टैंक में हूँ और प्रेजेंटेशन के बाद क्योंकि हेल्थ केयर का है तो बाकी 4 शार्क्स जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। नमिता जी हैं जो एम क्योर फार्मा की से हैं। और मैं अगर इतना एफर्ट डालूंगी तो कुछ तो मतलब आई हैव टू शो समथिंग। अगर हमें ज़्यादा लंबा रास्ता अगर देखना है बिल्कुल, तो हमें हमारे पास इक्विटी होनी चाहिए और आने वाले इन्वेस्टर्स का भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो आते हैं नहीं आते हैं वो समय की बात है, बट आज अगर वहाँ तक बात पहुँची है तो उनके साथ नहीं तो किसी और के साथ एंड तक तो हम पहुँचेंगे। कोई काउंटर तो, है आपके पास? सर मेरा काउंटर है 90 लाख, 1.5%, 60 करोड़ वैल्यूएशन, 15% क्लॉबैक के साथ जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आई कांट गिव यू दैट, लेकिन क्योंकि आपका पर्पस बहुत अच्छा है आप मुझे मिलिए। यस मैम। मेरे कॉन्टैक्ट्स
मेरी टीम, मेडिकल टीम आपको जरूर मदद करेगी, बिकॉज यू आर डूइंग द राइट थिंग. तो इवन विदाउट इक्विटी स्टेक, आई गॉट अ शार्क. इवन विदाउट इक्विटी स्टेक, आई विल हेल्प यू. आई गॉट अ शार्क. कोई पैसे नहीं ले रहा. नहीं नहीं, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. आई एम स्टिल देयर विद यू. ऑलराइट, थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर. थैंक यू.